हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ देवेटिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाने वाला हूँ कि दोस्तों आपके घरों में देखा होगा आपने इस टाइप के सिलिका जेल के पैकेट, क्योंकि दोस्तों पुराने दवाइयों के अंदर या फिर दोस्तों आप कोई कंटेनर वगैरह खरीद तो उसके अंदर से निकलते, तो दोस्तों आप इनको आमतौर पर फेंक देते हो। लेकिन दोस्तों आज हम इन्हीं से एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप प्लीज़ कंप्लीट देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगी इस टाइप के सिलिका जेल के पैकेट, जो कि दोस्तों पुराने दवाइयों के अंदर में से निकलते हैं या फिर कंटेनर वगैरह के अंदर में से निकलती है। उसके बाद हमें चाहिए होगा इस टाइप का पूरा मार्चिस का बॉक्स, जो कि आपके घर में ज़रूर पड़ा तो होगा ही। उनके अंदर से सारी मार्चिस निकाल लेनी है और हमें बॉक्स मिल गया, तो अभी मार्चिस सारी हटा देते हैं यहाँ से। वैसे भी मार्चिस हमें चाहिए नहीं, तो ये आप रख लीजिए सावधानी से एक जगह ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें आप। अभी दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो मार्चिस का बॉक्स है दोस्तों इसको हमें लेना है, और देख सकते हो यहाँ पे हमें 5 mm तक इसको रखना है ऊपर के साइड में, और बाद में बीच में हमें इसे कट कर रहना है। देख सकते हो आप, ये वाइट वाला जो सेक्शन है ये हमारा रहेगा और बीच का ये ग्रीन वाला सेक्शन हम कट कर देंगे यहाँ से, और इसको आप खींची की मदद से आराम से कट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये पेपर का होता है। और इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे कोई भी शार्प टाइप की कैंची से आप कट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें लेनी है इस टाइप की नेट, जो कि दोस्तों आपको जहाँ पे बग जैपर यानी कि इलेक्ट्रिक मस्कीटो बैट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा पुराना वाला, तो आप वहाँ से ये जाली लेके आ सकते हो और इसे आपको कट कर देना है इसके साइज के हिसाब से, और हमें यहाँ पे इसको फेविकॉल की मदद से फिट कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको कैंची की मदद से कट कर देंगे, और आप अपने घर पे नॉर्मल कैंची से ही इसे कट कर सकते हो। तो दोस्तों इसे इस सबसे मैंने कट कर दिया है, ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा पेपर लगा दिया है ताकि ये मजबूत हो जाए, और देख सकते हो मैंने बॉक्स पलट दिया है एक्चुअली ताकि ये कलर वाला सेक्शन अंदर चला जाए और ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। और अभी इसका दूसरा वाला भाग यहाँ पर हम डाल देंगे, तो देख सकते हो इस टाइप से ये हमारा हो चुका है। और अब दोस्तों इसके अंदर हम सिलिका जेल के पैकेट रखेंगे, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा हमने इसको वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है, तो ये बिल्कुल आपका ऑलमोस्ट फ्री में ही बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप इस तरह के ख़राब वाले जो नेट है वो दुकान वाले ऐसे फ्री में दे देते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो, दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें बनाते हो तो दोस्तों आपके पास इलेक्ट्रॉनिक के जो कंपोनेंट्स आप जहाँ पे रखते हो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बारिश के दिनों में उनमें जो है जंग लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों इसको आप रखोगे तो दोस्तों उसमें जंग नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे दोस्तों उसमें जंग नहीं लगता। और दोस्तों अगर आपके कोई कंपोनेंट में पहले से जंग लग चुका है तो दोस्तों ये उसको रिपेयर नहीं कर सकता, पर ये आने वाला टाइम पे जंग लगने से बचा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय दोस्तों, बाय गाइस। Back from the dead.